फॉर्मूला ई आयोजकों ने आधिकारिक रूप से घोषणा की है कि आगामी 2024 हैदराबाद ई प्रेक्स रद्द कर दी गई है। पिछले हफ्ते रेस के रद्द होने की खबरें सामने आई थी। फॉर्मूला ई ने कहा कि वे एक पत्र हासिल करने के बाद राज्य विधानसभा चुनाव में पिछले साल के आखिर में चुनी गई तेलंगाना की नई सरकार से तत्काल स्पष्टीकरण चाहता था। 10 फरवरी 2024 को निर्धारित रेस के लिए 6 हफ्ते से भी कम समय बचे रहने के बाद फॉर्मूला ई ने नई राज्य सरकार के साथ बातचीत टूटने की पुष्टि की। एक बयान में फॉर्मूला ई ने कहा कि ये रेस नहीं होगी। यह हवाला देते हुए तेलंगाना सरकार के नियंत्रण में नगर पालिका प्रशासन और शहरी विकास विभाग यानी कि MAUD ने 30 अक्टूबर 2023 को हस्ताक्षरित मेजबान शहर समझौते को पूरा नहीं करने का फैसला लिया। बयान में कहा गया है कि फॉर्मूला ई ऑपरेशन यानी कि FEO के पास कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने के लिए औपचारिक रूप से MAUD को नोटिस देने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं बचा है। FEO अपने रुख पर विचार कर रहा है और मेजबान शहर समझौते और लागू कानूनों के तहत वहां पर क्या कदम उठा सकता है। इस संबंध में FEO के सभी अधिकार सुरक्षित है। पिछले फरवरी में हुसैन सागर झील के किनारे पहला हैदराबाद ई प्रेक्स आयोजित किया गया था, जो भारतीय धरती पर विश्व चैंपियनशिप के आगमन को चिन्हित करता था। सरकार और आयोजकों ने कई सालों के समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसमें दौड़ का शहर में वापसी सुनिश्चित हुई। पहले हैदराबाद ई प्रेक्स में 31,000 से ज्यादा दर्शकों ने भाग लिया था, जबकि फॉर्मूला ई ने पहले कहा था कि रेस वीकेंड से इस क्षेत्र पर लगभग $84 मिलियन का सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। हालांकि स्ट्रीट सर्किट की टीमों और ड्राइवरों ने सराहना की, लेकिन संगठनात्मक और इंफ्रास्ट्रक्चर मुद्दे चिंता का विषय बने रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी भारत।